वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज मोहम्मद यूसुफ। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर। आई एम अटैच्ड विद कायद सिंस 2014। आई हैव कंडक्टेड मेनी इंडक्शन ट्रेनिंग्स एंड इन 2014 I was also selected as district teacher educators. I did my jobs according to the conditions of Qaid, and a lot of things I have learned from Qaid. I am really very thankful for Qaid. In 2017 I was also selected as an expert trainer of Pili, or in 2021 I was also did my duties as MT PCCE in SNC training. Recently I have done my duties as a master trainer of multi grade teachings in my district Bahawalnagar. अच्छा अब बताए इसी के आप मास्टर ट्रेनर बल्कि लीड ट्रेनर रहे हैं, तो इसी पे बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती है, थोड़ा सा बताएंगे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होती है? जी जी बिल्कुल। होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम बात करते हैं जो हमारे पास की लर्निंग एरियाज हैं, इसके जो 7 की लर्निंग एरियाज हैं, और इसमें हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं बच्चों की, जिसमें अगर हम देखा जाए तो वो जो की लर्निंग एरियाज हैं जिसमें पहला है पर्सनल एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, और उसके बाद दूसरा जो है उसमें आ जाता है लिटरेसी लैंग्वेज एंड लिटरेसी, तीसरा जो है वर्ल्ड अराउंड अस, चौथा जो है वो क्या था ये बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसके अलावा जो है हेल्थ हाइजीन एंड सेफ्टी, और उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता है क्रिएटिव आर्ट, और लास्ट में जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे होते हैं, इसमें बच्चे के जो की लर्निंग एरियाज हैं उनको खास तौर पे फोकस करने की जरूरत होती है। जी आपने मटेरियल डेवलप किया है इसी से रिलेवेंट, या कोई भी मटेरियल आपने लर्निंग मटेरियल डेवलप किया हो? सर उसमें ये था कि जब हम मतलब हम ड्यूटीज कर रहे थे एज अ डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर्स, उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स थी जिसमें हम खास तौर पे काम करते थे लेसन प्लानिंग के हवाले से, मटेरियल डेवलप करते थे, और ना सिर्फ खुद करते थे बल्कि टीचर्स को भी इसमें हेल्प आउट करते थे। इसी तरह से जब हम 2017 में पीली के एक्सपर्ट ट्रेनर्स बने हैं, तो उसमें भी हमें खास तौर पर लेसन प्लानिंग की डेवलपमेंट, और ये जो था बच्चे जो है वो कैसे उनकी थिंकिंग जो है उनको कैसे डेवलप करते हैं, असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है, और उसके हवाले से ये तमाम चीजें जो थी उसमें काफी हद तक हमें हेल्प आउट मतलब हेल्प मिली है। अच्छा सर, इसके अलावा ईसीसी के उर्दू में एक टॉपिक है ईसीसी में मुसब्बतों का, वो क्या होता है? सर काइंडली रिपीट इट अगेन। मुसब्बते क्या होते हैं? मुसब्बते ईसी सी में उर्दू में एक कंसेप्ट दिया गया मुसब्बतों का, वो क्या है? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, ये वर्डिंग जो है क्या पॉसिबल है कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, मेरे लिए इजी हो जाएगा। इंग्लिश में तो नहीं, उर्दू में बता रहा हूं मुसब्बते। अच्छा एक उर्दू में कंसेप्ट है शरारती नौ का, जो बच्चों को बताया जाता है, जो कि हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है, वो कंसेप्ट क्या है? शरारती नौ वर्ड्स कौन से, हरूफ कौन से हैं वो? शरारती हरूफ सर इसमें, अच्छा नहीं सर इसके हवाले मतलब मुझे कोई एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है। मैं बच्चों को डायरेक्टली पढ़ाने का आपका? जी जी उसमें ये था कि जब मतलब मेरी जो जॉब थी मैंने स्टार्ट किया था 2012 के अंदर, तो मैं मतलब जो है वो एलिमेंट्री टीचर्स एजुकेटर के तौर पे मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी, तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस था। अभी जो है अब रिसेंटली भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उनको, हालांकि मेरी जॉब है एक्सपर्टीज इन फोनिक्स लाइक लेटर साउंड। सर इसमें फोनिक्स में इतनी ज्यादा कमांड तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम वो उसके जो कुछ बेसिक्स जो है वो हम कर लेते हैं, जैसे मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन है एप्पल्स की, और इस तरह से है, और मतलब जो है ये जो कुछ वर्डिंग है वो कुछ हद तक हम मतलब कर सकते हैं। ओके सर ठीक है, ओके सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।